23 नवंबर 2023 देव उठनी एकादशी के दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह। नमस्कार, मैं पंडित जी एस कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एस घृत कौशिक में। अब की बार देव उठनी एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आती हैं, बहुत सारे उपाय आप कर चुके हैं, लेकिन फिर भी शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए हैं। आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आपने इस उपाय को अच्छे से समझ लिया और देव उठनी एकादशी के दिन मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन तत्काल दूर हो जाएगी और जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। कई बार सिचुएशन क्या होती है, हमारे बच्चे दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छी खासी जॉब कर रहे होते हैं, या फिर उनका खुद का बिजनेस होता है, बैकग्राउंड भी आपका अच्छा है, हर चीज़ है, लेकिन फिर भी विवाह में देरी होती रहती है। रिश्ते आते रहेंगे, बातें चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपको पसंद नहीं हैं, और जो पसंद हैं आपको वो सामने से पक्के नहीं हो पाएंगे, यानी कि आपके जो बच्चे हैं उनके लेवल का आपको रिश्ता जल्दी से मिल नहीं पाएगा। यदि इस प्रकार की सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो उपाय में बताने वाला हूं, इस उपाय को आपने अच्छे से समझ लेना है। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, यह पूरी तरह से निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। और यदि आप ये सब कर लेते हैं तो आपको फायदा क्या होगा, जब भी हम भविष्य में इस प्रकार की वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा और बिना किसी अड़चन के वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो आई होप आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने 23 नवंबर 2023 देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय करना है। अब की बार देव उठनी एकादशी गुरुवार के दिन आ रही है। अब गुरुवार के दिन देव उठनी एकादशी का आना अपने आप में एक शुभ संयोग बन रहा है और ऊपर से सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण भी हो रहा है। तो ऐसे संयोग में जब आप उपाय करोगे तो बहुत जल्द फलीभूत हो जाएगा और उपाय का जो रिजल्ट है वो 100% आपको देखने को मिलेगा। करना क्या होगा, देव उठनी एकादशी के दिन शाम के समय आपने अपने घर में जो तुलसी माता का पौधा रखा हुआ है उसी पौधे के पास बैठकर ये उपाय करना है। शाम का मतलब 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे या 9 बजे, तो इस समय के लगभग आप ये उपाय कर सकते हैं। एक दीपक आपने तैयार करना है, मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए। यदि मिट्टी का दीपक आपके पास नहीं है तो गेहूं के आटे का दीपक भी आप ले सकते हैं। उसके अंदर आपने खड़ी बत्ती रखनी है, जो गोल वाली खड़ी बत्ती होती है उसका प्रयोग आपने करना है, और इसमें गाय का यदि घी आपके पास उपलब्ध है तो अति उत्तम है, और यदि वो नहीं भी है तो भैंस का या फिर बाजार में जो डिब्बे वाला घी मिलता है, देसी घी, वो भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। इस दीपक में आपने एक चुटकी हल्दी भी डाल लेनी है और अपनी मनोकामना बोलते हुए तुलसी माता के पौधे के पास इस दीपक को जला देना है। उसके बाद क्या करना है, एक लाल रंग की चुनरी आती है, बाजार से आसानी से आपको मिल जाएगी, और यदि आपके घर में पहले से रखी हुई है तो उसको भी आप प्रयोग में ले सकते हो। तो वो लाल रंग की चुनरी आपने तुलसी माता का जो पौधा है उसको उठा देनी है। उसके बाद क्या करना है,
आपने श्रृंगार की एक किट लेनी है। श्रृंगार की किट में क्या क्या होना चाहिए? सीसा, कंघा, चूड़ियाँ, लिपस्टिक, नाखून पॉलिश, ये सारी चीज़ें उस श्रृंगार की किट में होनी चाहिए। जो माताएं हैं वो अच्छे से जानती हैं श्रृंगार किट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एक श्रृंगार की किट भी आप बाजार से पहले से ही अपने पास लेकर रख लीजिए, और उसी समय माता रानी का जो पौधा है, तुलसी माता का जो पौधा है, उसी पौधे के पास ये सारी चीज़ें आप रख दीजिए। यानी कि श्रृंगार का जो सामान होता है, श्रृंगार की किट में जो सामान होता है, वो सारा सामान आपने तुलसी माता का जो पौधा है वहाँ पर अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देना है। और उसके बाद हाथ जोड़ करके तुलसी माता से प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी माता, मेरे बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चने आ रही हैं, तो आप कोई ऐसा चमत्कार करें कि मेरे बच्चों की शादी के लिए जल्द से जल्द कोई मनचाहा रिश्ता आ जाए और पक्का हो जाए। इस प्रकार से आपने भाव से, हृदय से, सच्चे मन से माता रानी के चरणों में प्रार्थना करनी है। अब ये जो सामान आपने रख दिया, ये सामान पूरी रात यहीं पर रखा रहने दीजिए। सुबह अगले दिन यानी कि 24 तारीख को, द्वादशी के दिन, आपने इस सामान को उठाना है, और कोई भी आपके आसपास ऐसी औरत जो सुहागन है तो उसको आपने ये भेंट स्वरूप दे देना है, यानी कि दान के रूप में उसको दे देना है, जो भी जरूरतमंद, लेकिन सुहागन होने चाहिए, इस बात का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। और यदि सुहागन महिला आपके आसपास नहीं है, तो फिर आपके आसपास कोई भी माता रानी का मंदिर हो तो उस माता रानी के मंदिर में जाकर माता रानी की जो प्रतिमा बनी हुई है, जो तस्वीर लगी हुई है मंदिर में, उसके चरणों में आपने इस सामान को रख के आ जाना है। और यदि माता रानी का मंदिर भी आपके आसपास नहीं है, तो फिर आप इसको जल प्रवाह भी कर सकते हो। और जल प्रवाह करने के लिए आपके पास नदी और नहर नहीं है, तो फिर आप किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी इस सामान को रख सकते हो। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए। पहला ऑप्शन किसी सुहागन महिला को दे दीजिए, दूसरा ऑप्शन माता रानी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए, तीसरा ऑप्शन जल प्रवाह कर दीजिए, चौथा ऑप्शन पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। इन चारों में से कोई भी आप कर सकते हो। तो प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से ये उपाय यदि आप कर लेते हैं, तो आपके बच्चों की शादी में जो अड़चने बनी हुई है, तत्काल दूर होकर के जल्द से जल्द विवाह होने का एक प्रबल योग बन जाता है। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, विवाह में लगातार विलंब होने का मुख्य कारण क्या बनता है ये आप मुझसे जानना चाहते हैं, विवाह कब होगा, कहाँ होगा, कौन सी दिशा में होगा, कैसे परिवार में होगा, विवाह के बाद का जीवन कैसा रहेगा, इन सारी बातों की जानकारी यदि आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं, और अपने बच्चों की जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसको शेयर भी कर देना, ताकि आप पुण्य के भागीदार बन सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मुझसे लगातार आप जुड़े रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।